हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससुराल सिनी का। तो आज मैं आप लोगों को अपना शादी का फेरे के टाइम का वीडियो दिखा रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर होता है दामाद का कुछ, हम लोग के यहाँ 5 बर्तन वगैरह देके और 5 सामान दिया जाता है। तो पापा वही टीका कर रहे हैं इनका, और इसके बाद हम लोग की जो रात में रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि विदाई का वीडियो तो मैंने डाल दिया है। मैंने सोचा चलो आपको ये वाला भी डाल देती हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लोगे और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। वैसे तो दीदी ने दिखा दिया है, बट मैंने अच्छे से दिखा रही हूँ, उसने मोबाइल से लिया है। बट ये जो हम लोग की शादी की सीडी होती है, उससे मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ और यहाँ पर कन्यादान होगा अभी। तो अभी मेरे को पापा की गोदी में बैठा दिए हैं। मेरे को घबराहट हो रही थी आगे का सोच के, कि रोना आ रहा था। मैं तो उसी टाइम से ही रोने लग गई थी। और आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मेकअप भी मेरा डल हो गया है। तो जो हम लोग के यहाँ कुमकुम होता है, वो इस तरीके से हाथ में लगाया जाता है। तो मम्मी है जो मेरी, वो लगा रही है मेरे हाथों में कुमकुम, और साथ में इनके हाथ में भी लगा रही है, क्योंकि अभी कन्यादान होने वाला है। और ये कुछ आटे का होता है, इसमें कुछ सिक्के वगैरह रख के इस तरीके से ऐसे जैसे हो रहा है। मुझे डिटेल में तो नहीं पता, बट आप लोग देख लीजिएगा आप लोग के यहाँ कैसा होता है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसे आपके यहाँ शादी का ये सब होता है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही उस टाइम पे ऐसा माहौल हो गया था, सब लोग रो रहे थे। तो ये जो भैया है मेरा, वो भी रो रहा था और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। मैं, आप लोग देख सकते हैं, मेरा सिर नीचे है और मैं रो रही हूँ। और इसके बाद हम लोग की पैर पूजी होती है। एक्चुअली दिन में होता है, बट घर वालों, जो मेन घर वाले हैं, मतलब सारे रिलेटिव्स जो हैं, वो दिन में कर लिए थे पैर पूजी। और जैसे कि घर वाले हैं, मम्मी पापा चाचा चाची बुआ फूफा जी, खास खास लोग हैं जो, वो रात में किए थे, बाकी और सब दिन में कर दिए थे। तो यहाँ पर भाई लोग हैं, छोटू बेटू, इन लोग सब लोग जो फैमिली वाले हैं, वो रात में किए और बाकी सब लोग दिन में कर दिए थे। और आप लोग देख सकते हैं, मेरे बगल में जो बैठी है ना, वो है फिजी दी, दीदी के साथ जो दीदी ने दिखाया था ब्लॉग में, बुआ की बेटी है बीच वाली। तो मैं रो रही थी ना, तो वो मुझे समझाने के लिए वहाँ पर आकर बैठ गई थी कि नहीं रोते। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद बुआ फजी कर रहे हैं पैर पूजी हम लोग की। एंड ये जो कर रहे हैं, ये मेरे मामा मामी, डिंकी को तो आप जानते हैं ना, बस वही हैं, उनके मम्मी पापा हैं, मेरे मामा मामी हैं। डिंकी को तो सब लोग देख चुके हैं और पहचानते हैं बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आती है बारी भैया एंड भाभी की। आप लोग बोल रहे थे कि सोनल दीदी और भाभी नहीं दिख रही हैं, तो इस वीडियो में आप लोग देखिएगा अच्छे से, सोनल दीदी भी हैं एंड भाभी भी हैं। तो ये देखिए, ये सोनल दीदी, एक्चुअली ये मेरा बस करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहन का बस किया जाता है, छोटी हूँ इसलिए वो भी कर दिया उसने। जैसे कि मैंने आपको बताया, घर वाले नहीं किए थे, तो यहाँ पर छोटू ने किया है मेरी पैर पूजी और ये बस पहना रहा है मुझे रिंग। और ये बुआ का बेटा है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया आप इसकी पहले वाली वीडियो में, ये गौरव है, बुआ का बेटा है। तो इन सारे लोग, ये सारे लोग मेरी और इनकी पैर पूजी कर रहे हैं। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था विदाई वाला, काफी लोग के कमेंट आए कि इमोशनल हो गए। हाँ यार, हो ही जाता है, आप लोग सच बोल रहे हो, किसी की भी विदाई हो, विदाई देखकर रोना आ ही जाता है, चाहे वो किसी की भी हो। इसके बाद हो रहा है
अलावा परसाई। तो यहाँ पर छोटू कर रहा है। हमारे यहाँ मैं हम लोग जैसे कि दो भाई बहन हैं, तो भैया दीदी की शादी में बड़ा वाला भैया ने किया था और मेरी शादी में ये छोटू कर रहा है। तो यहाँ पर ये लावा परछाई हो रही है, आप सबने देख लिया है ये वीडियो, लेकिन मैं आप लोग को डिटेल में दिखा रही हूँ। दीदी ने थोड़ा थोड़ा सा दिखाया, बट मैं आप लोग को डिटेल में दिखा रही हूँ अच्छे से। अब हो रहे हैं सात फेरे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फैमिली वाले और इनकी फैमिली वाले हैं। आप लोग बोल रहे थे सोनल दीदी नजर नहीं आ रही है, तो वो देखिए ऑरेंज सूट में वो बैठी हुई है और वीडियो ले रही है हम लोग की, ताकि वो आप लोग तक पहुंचा सके व्लॉग को, इसलिए वो वहाँ पर शूट कर रही है वीडियो। इसके बाद ये हो गया सात फेरे के बाद, ये होती है मांग भराई की रस्म, जो कि खास होती है भाभी के लिए। तो यहाँ पर भाभी का नेंग होता है हम लोग के यहाँ, जो कि आगे होने वाला है। तो गाइस ये था मेरी शादी का वीडियो, कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।